हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। सो आज हमारा टॉपिक है क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज से, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। और हमारे चैप्टर का नेम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का। एंटरप्राइज विच एंगेज इन बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज नोन एज बिजनेस एंटरप्राइज। कोई भी एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज है। बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी मतलब क्या है? कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो बिजनेस कहलाता है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे बिजनेस एंटरप्राइज। एवरी बिजनेस, हर बिजनेस एडॉप्ट सम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट बिजनेस। हर बिजनेस को कुछ फॉर्म अपनी और एडॉप्ट करनी पड़ती है बिजनेस को कैरी करने के लिए। कौन कौन सी फॉर्म है? जैसे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज। तो कोई बिजनेस क्या होगा? या तो प्राइवेट होगा, या पब्लिक होगा, या ज्वाइंट होगा। आपने सुना होगा प्राइवेट जॉब है, पब्लिक गवर्नमेंट जॉब है, तो ये वही है। फर्स्ट है हमारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कौन सी एंटरप्राइज होती है? ऑन्ड कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। जिनकी ऑन मतलब जिनको किसने ले रखा है, ऑन कर रखा है प्राइवेट इंडिविजुअल ने। कंट्रोल किसके हाथ में? प्राइवेट इंडिविजुअल में। और जिसको मैनेज कौन कर रहा है? प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब क्या है? प्योरली प्राइवेट कंपनी है, हम बोलते हैं ना प्राइवेट कंपनी है, मतलब जहाँ पे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का पूरा पूरा राइट है, जिसने उसको ऑन भी कर रखा है, उसको मैनेज भी कर रखा है, उसको कंट्रोल भी कर रखा है। और मेन मोटिव क्या होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का? प्रॉफिट कमाना। ऐसे एंटरप्राइजेस का मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी आपने सुना होगा, टाटा का नाम सबने सुना होगा, विप्रो, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। ऐसी हमारा है सेकेंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है? पब्लिक, नेम से ही पता चल रहा है, जिनका काम क्या होगा? सोशल कुछ काम होगा, जिनका काम पब्लिक की सर्विस करना होगा, लोगों को सर्विस पहुंचाना होगा। विच आर ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जिनको कौन ओन कर रहा है, किसके हाथ में है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। मैनेज भी कौन कर रहा है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और कंट्रोल भी कर रहा है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड सर्विस। जिनका मेन मोटिव क्या है? सर्विस को प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल सेल, आपने सेल का नाम सबने सुना होगा फ्रेंड्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और गेल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो बेसिकली ये सब क्या है? एंटरप्राइज। इनका मेन मोटिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना पब्लिक को, इसीलिए इनको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोला जाता है। थर्ड है हमारा ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज। ज्वाइंट आपको नेम से पता चल रहा है, ज्वाइंट, जहां पे चीजें ज्वाइंटली होंगी। ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल ज्वाइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट। इसमें क्या है? प्राइवेट भी होगा और गवर्नमेंट भी होगा, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों होगा। इसे हम कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज। डे टू डे मैनेजमेंट इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। जो डे टू डे, जो डेली का मैनेजमेंट है, वो किसके हाथ में होगा? जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है उनके हाथ में होगा। जो कि मेन कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा। वेयर इज गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय इट्स मेंबर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो मेन कंट्रोल किसके हाथ में होगा? गवर्नमेंट के हाथ में होगा। जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट के हाथ में होगी, कंट्रोलिंग पावर गवर्नमेंट के हाथ में होगी। जो डे टू डे मैनेजमेंट है वो होगा प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के हाथ में। तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? फॉर एग्जाम्पल कोचिन रिफाइनरीज का नाम सुना होगा आपने, मारुति उद्योग लिमिटेड, ये सब क्या है? ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज है, जो बेसिकली ज्वाइंटली काम करती है। तो ऐसी हमारी थ्री टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज। तो हर बिजनेस एंटरप्राइजेस को पहले क्या करना पड़ेगा? टू एडॉप्ट सम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाने से पहले इन तीनों में से कोई फॉर्म एडॉप्ट करनी होगी, बताना होगा कि वो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, या ज्वाइंट सेक्टर है। सो होप सो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।